हाय फ्रेंड्स, टुडे आई एम हियर विद अनदर हेल्पफुल वीडियो। जैसा कि आपने टाइटल से भी देख लिया होगा कि आज हम एक सनस्क्रीन के बारे में बात करने वाले हैं। समर स्टार्ट हो गई है और हम सबकी ही मेन प्रॉब्लम होती है कि हम कौन सा सन प्रोटेक्शन यूज़ करें कि हमें टैनिंग ना हो, सन बर्न ना हो, और उसके लिए हम रेगुलरली सर्च करते रहते हैं। मैंने तो बहुत किया है, पूरा इंटरनेट, पूरा गूगल मैंने सर्च कर लिया कि मैं कौन सी सनस्क्रीन यूज़ करूं कि मुझे मेरी कॉम्बिनेशन स्किन को भी वो सूट कर जाए और टैनिंग ना हो, सन बर्न ना हो, क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। ऑयली स्किन या कॉम्बिनेशन स्किन वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत मोस्टली क्रीम्स आपकी स्किन को ऑयली कर देती हैं। तो मन नहीं करता है कि आप कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ अप्लाई करो, क्योंकि ऑलरेडी समर्स में स्किन बहुत ऑयली हो जाती है। मैंने काफ़ी सनस्क्रीन ट्राई किए हैं, मैंने जेल सनस्क्रीन भी ट्राई किए हैं, बट हो सकता है वो हमें यूवी रेज से प्रोटेक्शन दे रहे हैं, बट डेफिनेटली मुझे टैनिंग और सन बर्न की प्रॉब्लम मेरी जो है वो कभी सॉल्व नहीं हुई। तो मुझे हमेशा से ही था कि मुझे कोई ऐसा सनस्क्रीन मिले कि मुझे टैनिंग बिल्कुल ना हो, क्योंकि मेरा स्किन टोन बिल्कुल चेंज हो जाता है समर्स में। तो मुझे किसी ने बनाना बोट रिकमेंड किया और फिर मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा ही इसके रिव्यूज़ देखे हैं, बहुत डिटेल में इसके बारे में नॉलेज कलेक्ट किया, और उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे ये ट्राई करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव रिव्यूज़ थे इसके हर जगह। और फिर मैंने इसका एक छोटा वर्जन आता है, ट्रेवल साइज़ पैक आता है 90 ml का, वो ट्राई किया और मुझे काफ़ी सूट किया वो। मेरी स्किन ऑयली हो जाती है तो मुझे ऑयल का भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया उसको लगाने के बाद। मुझे 1% भी टैनिंग नहीं हुई, ना मुझे सन बर्न हुआ। मेरी सेंसिटिव स्किन है बट मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई वो सनस्क्रीन लगाने के बाद। तो मैंने अपनी फ्रेंड्स को भी ये सनस्क्रीन रिकमेंड करी, उन्होंने भी ट्राई किया और सब ने ही इसे रीपरचेज किया है। सबको बहुत अच्छी लगी है, कोई स्किन इरिटेशन नहीं होती है, क्योंकि इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं ऐड की गई है, कोई एक्स्ट्रा केमिकल्स नहीं है, जितने रिक्वायर्ड हैं आपकी प्रोटेक्शन के लिए उतना ही है। तो इसकी डिटेल्स मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए, UVA UVB प्रोटेक्शन है इसमें, ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 50+ है, स्किन कैंसर फाउंडेशन से रिकमेंडेड है, लाइट फील है, डेफिनेटली बहुत लाइट वेट है ये। मैं लगाती हूँ, एब्जॉर्व हो जाती है, एब्जॉर्व होने के लिए 1-2 मिनट लगता है, बट उसके बाद अच्छे से स्किन में एब्जॉर्व हो जाती है, इसलिए मेल्ट होके हमारी आइज़ में भी हमें इससे इरिटेशन फील नहीं होती है। वाटर और स्वेट रेजिस्टेंस भी है 80 मिनट्स तक। जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, स्विमिंग करते हैं या कोई भी स्पोर्ट खेलते हैं, तो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है और उनको उतनी ही ज़्यादा सन प्रोटेक्शन की भी नीड होती है, क्योंकि प्रैक्टिस करनी पड़ती है तो बहुत टाइम के लिए एक्सपोजर रहता है सन में, तो उनके लिए ये है। इसके नेम में भी अगर आप देखेंगे तो स्पोर्ट परफॉर्मेंस है, और काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है ये। SPF 50+ इंडियन स्किन टोन के लिए परफेक्ट है, जिनकी बहुत ज़्यादा फेयर स्किन टोन होती है उनके लिए 110 SPF भी इसमें अवेलेबल है। जो ज़्यादा फेयर होते हैं उनके लिए ज़्यादा SPF, क्योंकि हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा SPF लेना चाहिए, 15, 20, 40, 50, इतने वेरिएंट्स आते हैं, तो हम नहीं समझ आता है हमें कि हमें कौन सा SPF अपने लिए परचेज करना चाहिए। तो जो ज़्यादा फेयर होते हैं उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है सन से, इसलिए उनको हायर SPF परचेज करना चाहिए 50+। 110 भी आता है इस सनस्क्रीन में, तो वो भी परचेज कर सकते हैं। और जिनकी स्किन डार्क होती है, जिनका कॉम्प्लेक्शन व्हीटिश है या डार्क है, उनको ज़्यादा SPF, ज़्यादा हायर SPF की नीड नहीं होती है। 30, 40, 50 इनफ है उनके लिए। इंडियन स्किन टोन के लिए 50+ परफेक्ट है, इसलिए मैंने 50+ वाला जो वेरिएंट है वो ही परचेज किया हुआ है। और बहुत अच्छे इसके रिव्यूज़ हैं, बहुत अच्छी इसकी परफॉर्मेंस है। मैंने जिसको भी रिकमेंड किया है, हर किसी को बहुत पसंद आई है, सबको सूट किया है। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ऑनलाइन आपको अमेज़ॉन से ही परचेज़ करना पड़ेगा, बिकॉज नॉर्मल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, इसलिए आपको ये वहाँ से ही परचेज़ करना पड़ेगा। मैं एक्स्ट्रा स्टॉक रखती हूँ अपने पास हमेशा, क्योंकि थोड़ा टाइम लग जाता है डिलीवरी में, अदरवाइज़ कोई ऐसा इशू नहीं है। मैंने बाहर से भी इसको परचेज़ किया है, इंटरनेशनली भी परचेज़ किया है, तो क्वालिटी आपको सेम ही मिलती है यहाँ पे भी ऑनलाइन अगर आप परचेज़ करेंगे तो।
थोड़ा सा आपको प्राइसी लग सकता है, क्योंकि जब मैंने भी परचेज़ किया था तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मैं 90 ml के लिए 600-700 rupees पे कर रही हूँ, तो पता नहीं वर्क करेगा या नहीं करेगा, मेरा जो पैसे हैं वो तो नहीं वेस्ट हो जाएंगे। बट ट्रस्ट मी, ये बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत कम क्वांटिटी यूज़ होती है तो उतना ही ज़्यादा लास्ट कर जाता है। एक 90 ml वाला ट्यूब मुझे ईजिली 5-6 months लास्ट करा था। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम नॉर्मल मार्केट से कोई सनस्क्रीन परचेज़ करते हैं तो वो हार्डली 2 months लास्ट करती है, और उतना ही कॉस्ट उसका हमें ऑलमोस्ट पड़ जाता है। तो आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई कर सकते हैं, आपको बिल्कुल भी कोई टैनिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, सन बर्न नहीं होगा, और आई गेस सूट हर किसी को ये कर जाएगा। मैं आपको अप्लाई भी करके दिखा देती हूँ ताकि आपकी आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंसी का पता लग जाए। ये देखिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, बहुत क्रीमी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। और कितनी कम मैंने क्वांटिटी ली थी और वो बहुत ज़्यादा हो गई है मेरी हैंड के लिए, बट फिर भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी ऑयली नहीं लग रही है और एब्जॉर्ब होके बिल्कुल मैट हो जाएगी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं एक बार, समर्स के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, जिनकी भी टैनिंग या सनबर्न की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। सो डू गिव इट ए ट्राई, पहले 90 ml वाला वर्जन ट्राई करिएगा, उसके बाद आप बड़ा पैक भी ले सकते हैं। एंड लेट मी नो कि आपको सूट किया या नहीं किया रिव्यूज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।